खराब होने के अधिकतर लक्षणों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। किडनी से जुड़े कई विकारों में लक्षणों का सही तरह से पता नहीं लग पाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग किडनी का किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब उन्हें लक्षणों का पता चलता है, तब तक उनकी किडनियां फेल हो चुकी होती हैं। आपको किडनी की बीमारी है या नहीं है, यह जानने का एकमात्र तरीका है हल्के लक्षणों पर नजर रखना। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की डैमेज का पारिवारिक इतिहास या आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हम आपको किडनी की समस्या के कुछ शुरुआती लक्षण बताने जा रहे हैं, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। इन्हें समझकर आपको समय पर इलाज कराने में आपको मदद मिल सकती है और आने वाले गंभीर खतरे से आप बच सकते हैं। नंबर एक, अधिक थकान। अगर आप अधिक थके हुए, कम ऊर्जावान या आपका ध्यान केंद्रित होने में आपको परेशानी हो रही है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। गुर्दे के कार्य में गंभीर कमी से रक्त में विषाक्त होने के कारण आपके इस तरह से लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे में लोगों को थका हुआ, कमजोर महसूस और ध्यान केंद्रित होने में कठिनाई होती है। नंबर दो, सोने में परेशानी। जब गुर्दे ठीक प्रकार से फिल्टर नहीं करते हैं, टॉक्सिन मूत्र के माध्यम से शरीर को छोड़ने के बजाय रक्त में बहकर मिल जाता है। इससे सोने में मुश्किल होती है और क्रोनिक किडनी की बीमारी वाले लोगों में स्लीप एपिनीमिया सामान्य जनसंख्या के साथ तुलना में अधिक होते हैं। नंबर तीन, ड्राई स्किन। किडनियां शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और आपके रक्त में खनिजों की सही मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। सूखी और खुजली वाली त्वचा खनिज और हड्डी की बीमारी का संकेत हो सकती है, जो अक्सर उन्नत गुर्दे की बीमारी के साथ होती है। बार बार पेशाब आना। यदि आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है, खासकर रात में, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत है। जब किडनी का फिल्टर डैमेज हो जाता है, तो यह पेशाब करने की इच्छा में वृद्धि का कारण बन सकता है। कभी कभी यह पुरुषों में एक मूत्र संक्रमण के रूप में भी प्रोटेस्ट का संकेत दे सकता है। पेशाब में खून आना। आप अपने मूत्र में रक्त देखते हैं। स्वस्थ किडनियां आमतौर पर रक्त कोशिकाओं को शरीर में रखते हैं। जब मूत्र को बनाने के लिए रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को छानते हैं, लेकिन जब किडनी के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं, तो ये रक्त कोशिकाएं मूत्र में रिसाव करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो आपको अपने किडनी से रिलेटेड जांच करानी चाहिए। किडनी की बीमारी के संकेत के अलावा मूत्र में रक्त ट्यूमर, गुर्दे की पथरी व संक्रमण के संकेत भी आपको हो सकते हैं। एड़ियों और पैरों में सूजन। किडनी की कामकाज प्रभावित होने से सोडियम रिटेंशन हो सकता है, जिससे आपके पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है। भूख में कमी। कम भूख लगना किडनी की बीमारी की एक बहुत सामान्य लक्षण हो सकते हैं। किडनी का काम प्रभावित होने और शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण इसका एक कारण हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किडनी से जुड़ी समस्याओं और उसके लक्षणों के बारे में जाना। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बहुत ही जल्द संपर्क करना चाहिए और आपको अपने किडनी से रिलेटेड जांच कराकर उसका सही इलाज कराना चाहिए। अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, तो आगे आपको चलकर बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।